होलाष्टक अशुभ क्यों माने जाते हैं? इस बार होलाष्टक 9 दिनों के क्यों है, इसके पीछे का क्या कारण है? तो सबसे पहले पंडित जी से होलाष्टक के बारे में ही जानते हैं। इन दिनों में आपको कौन से काम बिल्कुल नहीं करने चाहिए, आइए जानते हैं। पंडित जी, होलाष्टक क्या है, इस बार 8 की जगह 9 दिन का क्यों है और शुभ काम क्यों नहीं होने चाहिए इन दिनों? फाल्गुन मास की पूर्णिमा को होलिका दहन मनाया जाता है। होली के आने की सूचना होलाष्टक से प्राप्त होती है। होलाष्टक का अर्थ है होला और अष्टक, यानी होली से पहले के 8 दिन। लेकिन इस बार पंचांग के अनुसार फाल्गुन शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि 27 फरवरी को 2023 को ही थी, सुबह 12:59 से जो शुरू हो चुकी है, और फाल्गुन शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि 7 मार्च 2023 को समाप्त होगी। ऐसे में इस बार 9 दिन के होलाष्टक हैं। होलाष्टक उत्तर भारत में मनाया जाता है, एक त्यौहार है। ऐसा माना जाता है कि होलाष्टक से लेकर होली तक कुछ कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे होलाष्टक से होली तक नया काम शुरू ना करें, नए कार्यों में गृह प्रवेश, शुभ कर्म ना करें। होलाष्टक में मुंडन संस्कार, जनेऊ संस्कार, शादी की बातचीत, सगाई या किसी नए कारोबार की शुरुआत करना भी वर्जित है। होलाष्टक में किसी तरह का हवन या यज्ञ कर्म भी नहीं करना चाहिए। होलाष्टक में किसी तरह की खरीदारी भी नहीं करनी चाहिए। होलाष्टक से होली तक किसी भी तरह का मांगलिक कार्य, गाड़ी या संपत्ति खरीदना बेचना, गृह प्रवेश या शिलान्यास का कार्य भी ना करें। होली तक यात्रा करना भी वर्जित होता है। होलाष्टक में जन्म से लेकर मृत्यु तक के 16 संस्कार करने भी वर्जित हैं। इन दिनों में मृतक का अंतिम संस्कार करने से पहले भी शांति कर्म किया जाता है। जय मां विंध्यवासिनी।